हर वर्ष ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर कबीर जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष 22 जून को 626वीं कबीर जयंती मनाई गई। उसी उपलक्ष्य में विश्व वंदनीय संत शिरोमणि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब का 626वां प्रकट उत्सव शुक्रवार 21 जून 2024 को महंत श्री मुनिन्द्र दास साहिब की उपस्थिति में कबीर आश्रम शांतिनगर में मनाया गया। गौरतलब है कि कबीर दास जी ने समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं और पाखंड का विरोध करते हुए इंसानियत को सबसे ऊपर रखा, जिन्होंने अपने दोहों और विचारों के जरिए जनमानस को प्रभावित किया था। आज भी उनके दोहे जीवन का सच बयां करते हैं। इन दोनों में सुखी जिंदगी और सफलता का राज छिपा है। उसी महत्व को पहचानते हुए श्री संत कबीर साहिब युवा मित्र परिवार द्वारा यह कार्यक्रम बड़ी आध्यात्मिकता के साथ मनाया गया। जो 3 दिवसीय कार्यक्रम के बीच विभिन्न मंडलों द्वारा भजन संदेश प्रवचन आदि के साथ भव्य महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था। जो कबीर जयंती के दिन सुबह 6 बजे से ही कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, उसी श्रेणी में सुबह 7 बजे गुरु महिमा पाठ, पूर्णिमा पाठ, बीजक ग्रंथ पाठ, दोपहर 12 बजे भजन, गायकों द्वारा भजन, दोपहर 2:30 बजे सात्विक यज्ञ, चौका आरती, माँ प्रसाद के साथ यह कबीर जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसके विषय में जानकारी दी है महंत श्री मुनिन्द्र दास साहिब एवं डॉक्टर महंत ने। सदगुरु कबीर साहब ये काशी के लहरमाला धाम में प्रकट हुए 1455 ईस्वी सन 1398 में, और आज सदगुरु कबीर साहब का 626वां ये प्रकट दिन है। कबीर आश्रम शांति नगर में हम सभी भक्तजनों के सहयोग से ये कबीर सदगुरु कबीर साहब का प्रगट दिन मना रहे हैं, और यह प्रगट दिन सभी भक्तजनों के सहयोग से होता है। लगभग 90 वर्ष से ये कार्यक्रम लगातार यहाँ चलते आ रहा है, और सदगुरु कबीर साहब ने जातिवाद, अस्पृश्यतावाद, मानवतावाद की सिकवंद ये हमें बताया है, इसके बारे में चलने के लिए बताया है। सदगुरु कबीर साहब कैसे प्रगट हुए, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माही कोदन किए दो ही दिन के फिर सदगुरु कबीर साहब ये काशी लहरमाला धाम में बाल रूप में प्रकट हुए। हिंदू मुसलमान को सभी को उन्होंने चिताया, हिंदू मुसलमान दोनों उनके शिष्य थे। आज भी नगर में समाधि और मजार दोनों एक साथ बनी हुई है। काशी में सब लोग, हमारा बड़ा मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ सभी भक्तजन जाते आते हैं और अपना साहेब बंदगी करके लौटते आते हैं, और यह कार्यक्रम सभी जगह मनाया जाता है। साहेब बंदगी साहेब, ये साहेब बंदगी का जो आविष्कार हुआ है ये सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से हुआ है। हम लोग उसको सदगुरु कहते हैं, सत्य कबीर कहते हैं। ये सत्य ढाई अक्षर प्रेम में, प्रेम शब्द सत्य, सत्य है वो ढाई अक्षर है, प्रेम शब्द नहीं है। और सत्य की जो विवेचना की है, परख की है, वो सदगुरु कबीर साहब ने किए हैं। और संसार को सत्य से वाकिफ कराने के लिए जाति पाति छूत नीच ऊंच ये सारे भेदभाव को खत्म करने का जो संदेश दिए, प्रयास किए, वो पूरे विश्व के लिए अनोखा है और प्रशंसनीय रहा है। हम सदगुरु के दास हैं, हम कबीर के दास हैं, उसके सेवक हैं, ये हमारा सौभाग्य रहा है। और इसीलिए हम ये शांतिनगर आश्रम जो है 90 साल से इस आश्रम में इस तरीके से कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, और ये मेरे ख्याल से 4th पीढ़ी है जो, और इसके बाद तो 5वां पीढ़ी आ जाएगी जो इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं लगातार, और ये प्रशंसनीय रहा है हमारे कबीर पंथ में। तमाम जाति के लोग जो हैं, गुजराती समुदाय के, सिंधी समुदाय के, जितने कबीर पंथ के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और सदगुरु के शरण में बाकायदा साहेब बंदगी करके अपनी जीवन को सफल बनाते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।